public official of Lakshadweep. Some Maldivian officials have made rather reprehensible comments. जो भद्दी टिप्पणी उन्होंने की है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया है? नमस्ते भाया जी, आपका धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा दो दिन के लिए लक्षद्वीप में हो, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। दो जगह पे जनता के साथ जुड़ना, जो टूरिज्म के दृष्टि से महत्वपूर्ण जो आइलैंड है, सबसे महत्वपूर्ण वहाँ उनका दौरा होना। मैं हृदय से पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ मेरे लक्षद्वीप वासियों को भी मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा सम्मान किया, स्वागत किया। इसके लिए मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जहां तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दौरे के बाद लक्षद्वीप में जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद बहुत ही उसको एक्सप्लोरेशन होगा, क्योंकि पूरे देश में एक प्रकार से एक माहौल बन गया है। 17 साल से आजादी के 75 साल तक इस प्रदेश के विकास के लिए तो संभव है कि हर एक ने अपना अपना प्रयास किया होगा। जिस मात्रा में करना चाहिए उस मात्रा में नहीं हुआ था, वो बिल्कुल सही है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से ये दौरा किया है, मुझे विश्वास है कि वहाँ पर लक्षद्वीप में टूरिज्म का जो पोटेंशियल है वो उभर के बाहर आएगा। जनता भी बहुत ही प्रसन्न है, बहुत खुश है वहाँ के लोग, और मुझे लगता है कि सचमुच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास जो मंत्र है उसको वहां मतलब कि वो सार्थक हुआ है। जी मेरा प्रफुल्ल जी, मालदीवियन सरकार ने एक्शन लिया है, इन लोगों को जिन्होंने टिप्पणी की थी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि एक पब्लिक अपॉलॉजी की जरूरत है? क्योंकि ये कमेंट पब्लिक था, पब्लिक कमेंट के लिए पब्लिक अपॉलॉजी की जरूरत है। देखिए मायरा जी, उसमें हम नहीं इतना नहीं जाते, क्योंकि हमारी भूमि के संस्कार कुछ अलग है और उनकी बात अलग होगी। उन वो बस छोटे मन से उन लोगों ने सोचा है, उनको ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी उनको मतलब कि उन्होंने जो गलती की है उनकी सरकार ने उनको पनिश भी किया है। पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपमान कतई सहन नहीं करता, ये इसका उत्तम उदाहरण है। पूरा देश इसके साथ जुड़ जाए, चाहे वो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हो, सेलिब्रिटी किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो क्रिकेटर्स हो या पूरे देश के महत्वपूर्ण जितने भी लोग हैं, और साधारण जनता ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अपमान को सहन नहीं किया है और उनका उत्तर भी दिया है और मालदीव को दोबारा सोचने के लिए मजबूर भी कर दिया है। जिस तरह के अनपार्लियामेंट्री स्टेटमेंट्स आए हैं, जो शब्द का जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रभु जी मेरा सवाल ये होगा कि क्या ये इनसिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है? क्योंकि लक्षद्वीप बहुत ही खूबसूरत है और जो भारतीय टूरिस्ट हैं वो सबसे बिगेस्ट रिसोर्स हैं मालदीव्स के लिए। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ तक मालदीव और लक्षद्वीप का सवाल है तो लक्षद्वीप अभी वर्जिन आइलैंड से है। बिल्कुल उनकी खूबसूरती के बारे में कोई मतलब हम शब्द मेरे पास कम है। उन लोगों को इनसिक्योरिटी फील होता है, स्वाभाविक है। वहाँ डॉलर है और यहाँ इंडियन करेंसी है, वहाँ वीजा मतलब कि जाना है तो फॉर्मेलिटीज को ऑब्जर्व करना पड़ता है। यहाँ अपना खुद का देश है, कभी भी आ सकते हैं जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, और डॉलर के बदले में इंडियन करेंसी से वहाँ काम यहाँ काम चलेगा। तो टूरिस्ट का स्वाभाविक रूप से लक्षद्वीप टूरिस्ट ज़्यादा ही पसंद करेंगे, वो निश्चित बात है। और वो इनसिक्योरिटी का अगर वो उनके मन में भाव आता है तो शायद गलत भी नहीं है जी।
आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जब लक्षद्वीप गए, उन्होंने जो तस्वीर डाली अपने ट्विटर पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद पूरे लक्षद्वीप अब एक स्पेशल फोकस है लक्षद्वीप पर, सब लोग चर्चा कर रहे हैं, और अगर आप गूगल ट्रेंड देखिए तो सबसे ज्यादा सर्च किया हुआ टॉपिक अब आजकल लक्षद्वीप आइलैंड ही है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। मैंने तो पहले भी आपको कहा कि देश की आजादी के 75 साल तक इसको जिस प्रकार से टूरिज्म के लिए उसके पोटेंशियल को देखते हुए इसको एक्सप्लोर करने की आवश्यकता थी, वो नहीं हुआ था। मैं तो सिर्फ टूरिज्म के संदर्भ में भी नहीं, बहुत सारी चीजें मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। देश की आजादी के 75 साल तक जो लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं, इनहेबिटेड और अनइनहेबिटेड, इसमें से 10 इनहेबिटेड आइलैंड्स हैं, छोटी सी यूटी है, टोटल पॉपुलेशन 64,000 है, वहां इतनी छोटी यूटी और सिर्फ 10 आइलैंड, 10 ग्रामीण पंचायत, उसके लिए पीने का शुद्ध पानी भी नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारे 10 आइलैंड में शुद्ध पीने का शुद्ध पानी मिले, इसी के लिए उन्होंने डिसैलिनेशन प्लांट सेंक्शन किए, काम चालू हो गया, अधिकांश जगह पे काम पूरा भी हो गया। नॉट ओनली दैट, वहां मछुआरों के लिए, आपको जान के हैरानी होगी, मछुआरों के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो दैट इज आइस। इतने सालों से वहां मछुआरों के लिए 1 kg आइस नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें डायरेक्शन दिया, मार्गदर्शन दिया, प्रेरणा दी कि आपको ये सबसे पहले ये काम करना चाहिए। उनका जीवन, उनका लाइवलीहुड वो फिशिंग के, तो वो हम वहाँ पे ऑलमोस्ट काम खत्म होने में है। जहाँ तक टूरिज्म का सवाल है तो जैसे मालदीव में है वाटर विला, इसी प्रकार से सुहेली और कर्मत, 2 आइलैंड पे वाटर विला का काम ऑलमोस्ट काम शुरू हो गया है। बाकी जो आइलैंड पे है वहाँ भी हम, मुझे लगता है कि हम 1,500 कमरे के आसपास नए सुविधा में उपलब्ध कराने की हमने प्रक्रिया का प्रारंभ भी कर दिया है, वो पाइपलाइन में चल रहा है। इतना ही नहीं, पूरे मतलब कि उन्होंने मल्टी एंगल डेवलपमेंट का सोचा है। ये सोच इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ 92% लिटरेसी है, वहाँ कुल करीब करीब 11,000 के आसपास स्टूडेंट है, 47 स्कूल्स है। स्कूल्स के हालात आप देखते, सारे स्कूल का रिस्टोरेशन किया, उसका मतलब उसको ठीक किया, बेंचेस, अब मुझे कहते हुए थोड़ा संकोच भी हो रहा है, बेंचेस भी ठीक किए, सारे बेंचेस, ये सारा मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें प्रेरित किया है, मार्गदर्शित किया है, और लगातार वो फॉलो भी लेते हैं। और आपको बता दूं, एक बात का मुझे एक एडमिनिस्ट्रेटर के नाते हर्ष हो रहा है, गर्व हो रहा है, हमारे 47 स्कूल्स के जितने भी कमरे हैं वो सारे स्मार्ट क्लास बनाने का अगर कोई श्रेय किसी को जाता है और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है कि उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। देश में पहली, भले ही छोटी यूटी हो, लेकिन देश की पहली यूटी है कि जिसके सारे क्लासरूम स्मार्ट क्लास। इसके अलावा भी वहां पे और नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। जी बताइए जी प्रफुल्ल जी, क्योंकि आपने ये सही कहा कि हिंदुस्तान ये टॉलरेट नहीं करेगा जिस तरह की बयानबाजी हुई है मालदीव के टॉप ऑफिशियल्स का। बहुत सारे लोगों ने अपना टिकट कैंसिल कर दिया, वो बोल रहे हैं कि मालदीव्स नहीं जाएंगे। जो जो सेलिब्रिटीज हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, सचिन तेंदुलकर, वरुण धवन, इन लोग सबके बयान आए ट्विटर पर, उन्होंने कहा एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड, वो ट्रेंड करने लगा। आपको एक ये इस बात का एहसास हुआ कि पूरा हिंदुस्तान, पूरी भारत आज खड़ी है लक्षद्वीप के साथ, वहां के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, आप लोगों के साथ? बिल्कुल सही बात है। विद इन नो टाइम, जैसे ही मालदीव सरकार के जो जिम्मेवार लोग हैं उन्होंने जो जैसे ये बातें नहीं बोलनी चाहिए वैसी वैसी भाषा का उन्होंने उपयोग किया, देश कभी ही बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के पूरे देश के नागरिक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए, और पूरे देश के स्वाभिमान का प्रश्न था। तो किसी ने भी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, देश का नागरिक है, सबने अपना सोच जताया है, सबने अपनी नाराजगी जताई है,
और मालदीव को मजबूर किया है। मैं तो पूरे प्रदेशवासियों को एक लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर के नाते उनका सभी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने देश के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए और विशेष करके हमारे लक्षद्वीप जैसी छोटी यूटी के लिए जो प्यार प्यार जताया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता। जी क्योंकि आपने ये सही कहा कि ये जो टिप्पणी है, जो बयानबाजी हुई है, वो बहुत ही सैड है, बहुत ही नहीं होनी चाहिए थी। प्रफुल्ल जी, हिंदुस्तान कभी भी किसी दूसरी कंट्री के इश्यूज पे कमेंट नहीं करता है डिप्लोमेटिकली, क्या ये मानते हैं आप कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, इस तरह की बयानबाजी एक्सेप्टेबल नहीं है? और जो एक्शन है, हम फिर से वही सवाल पूछेंगे आपसे, पब्लिक अपॉलजी की जरूरत है, क्योंकि जो सेंटिमेंट है वो भी अब पब्लिक सेंटिमेंट है। देखिए महाराज जी, हर कोई आदमी अपने अपने संस्कार के हिसाब से बात करता है। हमारी आपने जो कहा वो सही है कि दूसरे देश के संदर्भ में हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमारे देश के संस्कार है, इस भूमि के संस्कार है, इस सभ्यता ने हमें दिया है। हमने कभी भी किसी के बारे में ये नहीं कहा। अगर वो लोग कहते हैं तो स्वाभाविक है कि उनके जो जो समझ होगी, जो संस्कार होंगे, उस हिसाब से उन्होंने बात की है। लेकिन उनको थैंक गॉड कि उनको समझ में भी आया, देश के नागरिकों ने जिस प्रकार से नाराजगी बताई हमारे देशवासियों ने, तो समझ में आया है और उन्होंने अपनी गलती सरकार के माध्यम से उन्होंने चाहे मजबूरन सुधारी हो या सोच समझ के सुधारी हो, लेकिन सुधारी है, वो अच्छी बात है। आगे से ऐसी गलती न करे, ऐसा मैं भी उनसे निवेदन के तो प्रार्थना करता हूं। और ये जो है भारत के संस्कार, उसकी चर्चा करते हैं हम लोग, डिप्लोमेसी को भी एक एक दायरे में रखते हैं और जो टिप्पणी होती है वो नहीं होती है, लेकिन जो सिविलाइजेशनल अटैक आप देखते हैं क्या, या आप मानते हैं कि जो ये बयानबाजी आई है, ये जो बयानबाजी चल रही है, वो किस तरह से थमेगी? मुझे लगता है कि अब उनको समझ में आ गया होगा कि देश में भारत के नागरिकों का मिजाज क्या है, भारत के नागरिकों का देश के प्रधानमंत्री के प्रति भाव क्या है, उनके समझ में आ गया होगा। और ये टिप्पणी अशोभनीय है, निंदनीय है। जी आप क्या, जो जो सेलिब्रिटीज हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स, टॉप जो स्टार्स हैं उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किया, सब ने आपको सपोर्ट किया, तो आप क्या उन लोगों को इनवाइट करेंगे कि लक्षद्वीप वो आए आकर के देखें कि कितना खूबसूरत है लक्षद्वीप? जी मेहरा जी, जिन जिन लोगों ने अपने भाव प्रकट किए हैं, लक्षद्वीप के प्रति अपना प्यार जताया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो भाव जताया है, वो सभी जितने लोगों ने ट्वीट किया है, पूरे देशवासियों को, विशेष करके जो सेलिब्रिटी से नतमस्तक, उन सभी को मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपके माध्यम से मैं सेलिब्रिटीज और बाकी जो जो, जो लोग हैं सभी को मैं लक्षद्वीप जैसे खूबसूरत प्रदेश में वहाँ विजिट करने के लिए सभी को आमंत्रित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जब भी उनको मौका मिले वो जरूर पधारे, हमें उनकी सेवा करने का जरूर अवसर मिलेगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। तो क्या आप उन लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे लक्षद्वीप का? आगे देख लेते हैं, जरूर सोचेंगे इस दिशा में, जरूर सोचेंगे। मुझे लगता है कि अब कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उन्होंने इतना प्यार जताया है तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और आप अपने विरोधियों को क्या कहेंगे? जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो कह रही है कि बीजेपी जो जो लक्षद्वीप वाला इशू है वो पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए यूज कर रही है। देखिए महाराज, ये मेरा विषय नहीं, मैं संविधानिक पद पे हूं, मैं राजनीतिक पद पे नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कवरत्ती और अगति दोनों आइलैंड में पब्लिक मीटिंग में जिस प्रकार से स्वागत हुआ है, जो सुडो सेक्युलरिस्ट है उनको ये दृश्य देख के पूरा पक्का समझ में आ जाएगा।
उनको जरूर ये लगेगा कि सबका साथ सबका विकास मंत्र लक्षद्वीप में भी चरितार्थ हुआ है। अब ये मेजोरिटी माइनॉरिटी मेरे मुंह से मुझे शोभा भी नहीं देगा, लेकिन वहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी जी सभी नागरिकों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, चीयरिंग दिया, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनता के बीच से वहां से जब पसार हुए तब फूलों की वर्षा हुई। वो ही मत दिखाता है कि लोगों के मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति कितना भाव है, सद्भाव है, किसी के मन में कोई कटुता या ऐसा कुछ भी नहीं है। लक्षद्वीप के लोग बहुत भले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनको भी अभिनंदन करता हूं। और क्या आप निमंत्रण देंगे मालदीव्स के लोगों को कि वो भी आए लक्षद्वीप और देखें कैसा है लक्षद्वीप? देखिए मैं बहन जी, ये हमारे देश की तो संस्कृति और परंपरा है, जितने भी आए हैं हम में समा गए, अगर वो आते हैं हमारी खूबसूरती को देखते हैं उसको संतोष मिलता है तो हमें भी संतोष मिलेगा, इसमें क्या बुरा है, वो जरूर आए, हमारे देश को समझे, पहचाने, हमारी संस्कृति सभ्यता परंपरा सबको जाने। क्या कोई स्पेशल पैकेज प्लान करेंगे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर हैं आप, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपका है लक्षद्वीप का, तो क्या तैयारी हो रही है? क्या लक्षद्वीप तैयार है कि जो मालदीव्स नहीं जाएंगे भारत के लोग वो अब आकर के लक्षद्वीप में देखें कि कैसा है लक्षद्वीप? टूरिस्ट की सुविधा के लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, जितनी सुविधाओं की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक ऐसी घटना हुई है कि एकदम शूट हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से जैसे कोई आप कोई इवेंट करते हो तो पूरे मतलब कि वहां जो सुविधाएं आपके पास जो है वो सुविधाएं कम पड़ जाती है, तो ऑब्वियस है कि अभी जिस प्रकार से हुआ है तो बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन हम उनके उनको पूरे पूरा एकोमोडेट करने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे। स्पेशल पैकेज की जो मैंने चर्चा की उसके बारे में कुछ बताइए प्रफुल जी। जरूर इस दिशा में वर्कआउट कर रहे हैं, जरूर करेंगे। प्राइम मिनिस्टर का जो ये विजिट था, सब लोग बोल रहा है कि क्या ये प्री प्लान था, क्या आपने उनको इनवाइट किया था, क्या क्या प्रधानमंत्री सडनली पहुंच गए थे? कोई ये सब प्री प्लान वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के कोने कोने में प्रवास करते हैं। लक्षद्वीप का उनका दौरा 2017 में एक बार हुआ था, जब नेचुरल कैलेमिटी थी तो जनता की मुसीबत में वो उनके साथ खड़े रहने के लिए उन्होंने कवरत्ती और अगत्ती में विजिट किया था। हमने विनम्र प्रार्थना की कि आपके मार्गदर्शन में वहां पे नए बहुत सारे 5-6 नए अस्पताल बनने जा रहे हैं, स्कूल्स बनने जा रहे हैं, नए एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है, टूरिज्म में डेवलपमेंट हो रहा है, हेल्थ में डेवलपमेंट हो रहा है, एजुकेशन में हो रहा है, नल से जल जो है सारे 10 आइलैंड पे टैप वाटर मिले, इसके तो 2 जगह पे पूरा हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली के लाल किले से उन्होंने जो बात बताई थी कि ओएफसी केबल सबमरीन के माध्यम से लिंक करके वहां पे जो हमारे पास 1 GB का 1 GBPS का हमारा कनेक्शन था उसको 100 GBPS का कनेक्शन देने का काम, उसका पूरा श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। उन्होंने किले से लाल किले से जो बात बताई थी वो सार्थक हुई थी, तो हमने निमंत्रित किया साहब को कि साहब आप पधारिए, उनका लोकार्पण कीजिए। इसके अलावा भी जो डिसेलिनेशन प्लांट है, जो बाकी फाउंडेशन स्टोन जिन जिन प्रोजेक्ट से रखने थे, तो उन्हें हमारे आमंत्रण का स्वीकार किया, जनता का जनता के निमंत्रण का भी स्वीकार किया, और पधारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।